जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपाई षड्यंत्र के द्वारा देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के विरोध में जिला मुख्यालय सिटी सेंटर चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदमकद प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, AICC सदस्य सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह एवं जिला कार्यकारी अध्यक्ष रसीद रजा अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए, कारण यही है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत पहले तो 2 साल का सजा दिलाया गया। जब हमारे विश्वत्री के उपाध्यक्ष महोदय ने बताया और उस अब उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उसका कारण यही है कि पार्लियामेंट में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार अडानी मुद्दे पर मुखर होकर के ये जेपीसी जांच की मांग कर रहे थे और उनका ये स्पष्ट था कि अगर अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया, जनता के पैसा की लूट नहीं की है, तो फिर संसदीय कमेटी से जाँच कराने में दिक्कत क्या है। और उन्होंने जो भी सवाल उठाया वो उस सवाल का मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी बोलती बंद करने के लिए मैंने पार्लियामेंट में उनके आवाज़ को म्यूट किया गया और उसके बाद भी नहीं माना तो यह उनकी सदस्यता रद्द करा करके प्लानिंग के तहत सदस्यता रद्द करा करके लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार ने किया है। और हम उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस के लोग देश भर में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी मोदी सरकार को नेस्ताभूत करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता से पदच्युत करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी और एकक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश है, डरो मत, लड़ो। तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और डर तो है ही नहीं, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश को अगर कुछ किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने दिया है। और आज हमारे नेताओं को भी हमारे जो देश की आज़ादी में जो भूमिका है और आज उसी पर प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार खड़ा कर रही है। हमारे स्वतंत्र सेनानियों को हमेशा अपमान करते रहते हैं, इसलिए मोदी सरकार की तनाशाही रवैया के खिलाफ पूरे मैंने कांग्रेस पार्टी ही देश के लोगों को भी आगे आना होगा। इसलिए आज महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के पास हम लोग शपथ ले रहे हैं कि आज से हम लोग महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके रास्ते पर चल करके मोदी सरकार के खिलाफ देश में आंदोलन का संघनाद किए हैं। देखिए, आज देश की जो स्थिति है आप लोग भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और केवल नेताओं पर लोकतंत्र का खतरा नहीं मंडरा रहा है। आज हमारे पत्रकार भाइयों के साथ, पत्रकार साथियों के साथ भी लोकतंत्र की बचाने की मुहिम में लगना पड़ेगा, इसलिए कि पत्रकारों को भी निष्पक्ष नहीं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। और जिस तरह से देश में तानाशाही बढ़ते जा रही है, तानाशाही को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को देश में बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में एक साथ हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह का कार्यक्रम किया है। और पिछले दिनों में जैसा आपने देखा कि राहुल गांधी को जिस तरह से एक दफा 500 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत उनको 2 साल की सजा दी गई है, मैं भी एक अधिवक्ता हूं और 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने 50 साल के जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को ये जिस दफा में राहुल गांधी को 202 साल की सजा दी गई है, एक व्यक्ति को भी हम सजा होते हुए 2 साल नहीं देखे। तो ये सोचने की बात है कि आखिर किस परिस्थिति में और देश कहाँ जा रही है। हम न्यायालय को और न्यायपालिका को अब भी हम बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान भरी नज़रों से देखता भी हूँ, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, आप लालू जी के परिवार को देखिए, आप सिसोदिया जी को देखिए, आप सत्येंद्र जैन को देखिए, आप झारखंड में भी बड़े बड़े नेताओं के पीछे रोज ईडी सीबीआई बुला रही है। आज देश के लोकतंत्र खतरे में है और उसको बचाने के लिए
कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है और इसीलिए हमारा ये नारा है कि न हम डरे थे न डरेंगे, हम लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए ऐसा है ना कि अभी हम लोग अगर सच पूछिए ना तो अभी आपातकाल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, आपातकाल ही है, घोषित नहीं हुआ है, आपातकाल घोषित नहीं हुआ लेकिन ये आपातकाल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में एक बात बोलेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द कराई गई, इससे ये प्रतीक होता है कि मोदी जी की हिटलर शाही पूरे हिंदुस्तान में हावी है, जो कि आने वाला दिन यहाँ की 140 करोड़ जनता को भारी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि देश हमारा जो है आंदोलन से आज़ाद हुआ, आंदोलन से आज़ाद हुआ, उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रण ली है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए, यहाँ के आवाम को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है। उसी के तहत हम लोग आज जो है गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह में बैठे हुए हैं और आपके चैनल के द्वारा ये एक संदेश दे रहे हैं कि जब जब भारत पे आक्रमण हुआ है अंग्रेज के समय में, तब तक यहाँ के आवाम ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। इसी के तहत आने वाला 2024 का चुनाव भाजपा जो है, देख लीजिएगा कि भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी और जनता इसकी जवाब देगी, क्योंकि जनता को क्या चाहिए यहाँ पे, जनता को चाहिए यहाँ पे जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया पे पाबंदी है, लोगों की बोलने पे आज़ादी नहीं है, लोग कुछ बात नहीं बोल सकते हैं, और जिस एक्ट के तहत राहुल गांधी जी को उन्होंने सजा दिया 2 साल का, और जिस एक्ट के तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई है, ये एक हास्यास्पद है। ऐसा प्रतीक होता है कि ये एक हिटलर शाही है, तानाशाही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिन में जो है उग्र आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।